बड़वाह, भाजपा नेताओं सहित पार्षदों ने आज नगरपालिका द्वारा विकास कार्यों में बरती जा रही अनियमितताओं के विरोध में रैली निकालकर एसडीएम मिलिंद ढोके को ज्ञापन दिया, जिसमें बताया कि शहर में नगरपालिका द्वारा तय मापदंडों को दरकिनार कर सीवरेज लाइन की खुदाई की जा रही है। खुदाई के बाद पानी निकासी के लिए डाले जा रहे पाइप की चौड़ाई को भी नजरअंदाज किया जा रहा है। खुदाई के बाद रोड को वैसा ही छोड़ दिया जा रहा है, जिससे दुर्घटनाओं का भय बन रहा है। नपा द्वारा पूर्व में भी जल आवर्धन योजना के लिए सभी वार्डों में सीमेंट कांक्रीट रोड की खुदाई कर छोड़ दिया है, जिससे लोग दुर्घटना का शिकार बन रहे। साथ ही 6 माह से पीएम आवास योजना द्वितीय चरण के लाभार्थियों की दूसरी किस्त आवंटित नहीं की गई, जिसके कारण हितग्राहियों को परेशान होना पड़ रहा है। जो आज है एकत्रित हुए हैं, उसमें प्रमुख 4 से 5 मुद्दे थे, जिसमें प्रथम था सीवरेज लाइन को लेकर। सीवरेज लाइन में केंद्र सरकार द्वारा जो राशि दी जा रही है, उस राशि को नगर पालिका द्वारा अनियमितता से काम कर रहे हैं, उसके मापदंडों पर कार्य नहीं हो रहा, उटपटांग काम हो रहे हैं और पूरे नगर को खोद के रख दिया। और जो उसमें सीवरेज लाइन में जो पाइप है, मूलतः हमारा उसका उद्देश्य ये है कि वो पाइप जो है उसका मतलब जो चौड़ाई है वो मात्र 4 इंच है, कम से कम 1 फीट का होना चाहिए। और दूसरा, वो जो पानी है, पानी को नर्मदा जी में छोड़ रहे हैं, तो हमारी धार्मिक भावनाओं पे भी ठेस पहुंच रही है। इसलिए हमने पहला, दूसरा मुद्दा ये है हमारा आवास योजना। आवास योजना की द्वितीय चरण की जो किस्तें हैं वो अभी तक नगर पालिका द्वारा नहीं डाली गई। तीसरा, आपका नगर में जो आवारा पशु घूम रहे हैं उन पे कोई नियंत्रण नहीं हो रहा। और चौथा मुद्दा हमारा जो है वो वार्ड नंबर 2 और बड़वा नगर में जो भी निर्माण काम अधूरे हैं उनको जल्दी से जल्दी पूरा पे आज ज्ञापन के रूप में, अगर कभी ऐसा आया मौका तो हम और आंदोलन करने के लिए तैयार। सेगांव, डिप्टी कलेक्टर चौहान ने अवैध रेत खनन करते 2 ट्रैक्टरों को पकड़ा। डिप्टी कलेक्टर व प्रभारी तहसीलदार राहुल चौहान ने ग्राम गोलवाड़ी के समीप 2 ट्रैक्टरों को बगैर रॉयल्टी के रेत खनन करते हुए पकड़ा। इस मौके पर नायब तहसीलदार राकेश बर्डे भी मौजूद थे। डिप्टी कलेक्टर द्वारा 2 ट्रैक्टरों को पकड़कर सेगांव पुलिस के हवाले किया, साथ ही पोका पंचनामा बनाकर प्रतिवेदन खरगोन एसडीएम को भेजा। डिप्टी कलेक्टर व प्रभारी तहसीलदार द्वारा रेत उत्खनन को लेकर 3री बड़ी कार्रवाई की गई है, जिससे अवैध उत्खनन करने वालों में खौफ व्याप्त है।